गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शर्माज ब्लॉग। माई नेम इज अंकिता। तो गाइज अभी बज रहे हैं दिन के एक और अभी फटाफट मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, बच्चों को नहा दिया, बच्चे बाहर धूप में खेल रहे हैं। तो अभी का सीन ये है गाइज कि मैं जा रही हूँ बाहर धूप में क्योंकि बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, और साथ ही साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। तो छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए है, भटूरों का आटा लगा के रख दिया है, और अभी जैसे ही खाने का टाइम होगा तो फिर तब मैं फटाफट भटूरे बना दूँगी, और फिलहाल के लिए मैं छोले भी ठोक लेती हूँ। ये मैंने आटा लगा के रख दिया है, अभी इसको एक बार और वो करेंगे, इसे गूंदेंगे, और यहाँ पर आपका मेरा छोले बॉयल होने जा रहा है। और साथ ही साथ आटे तक करती हूँ हेयर कॉम, क्योंकि नहा तो मैंने दिया था बट उसका हेयर कॉम रह गया था, तो अभी वो हेयर कॉम कर देती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, खेल रहे हो मम्मी, गंदगी फैला रहे हो, देख लो जरा। छोड़ा कौन बोलेगा तुझे अभी नहलाया है, ये क्या कर रखा तुमने, ये गेट खा रही है ना, साफ होना चाहिए। टीचर और टीचर सुन रही हो, मैं भी कर रही हूं काम दो। क्या हाथ देखना जरा, उस दिन पोछो, ये वाले बेडशीट पे पोछो, बेवकूफ लड़की। और यहाँ पर आए हैं ये क्यूट क्यूट से बच्चे, रिदान हाय करो, हाय। हाँ ये धक्का दिया, किसने धक्का दिया, ये कौन है, ये का नाम क्या है, क्या नाम है इसका। और ये देखो राध्या, पूरा खाना है इसको, है राध्या, राध्या पूरा खाना है इसको, ला लो मासी को दे दो, मासी को दे दो राध्या, मासी को दे दो। अरे वाह, अब मैं खा लूँ सारा, मैं खा लूँ सारा, खा लूँ, ये ले। और कुछ कचरा कचरा कर दे, इसने खा भी लिया थोड़ा थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ छोले, और छोले मैंने उबाल के रख दिए हैं, और अब मैं इसको छौंका लगाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ना ये कुछ गरम मसाले लिए हैं, ये चार पीस दालचीनी, सॉरी बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, और ये छोटे छोटे दो पीस दालचीनी, ये तेज पत्ता, और चार पाँच ये दाने उसके लौंग के। तो ये डाल देते हैं हम तड़के में, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है इसलिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। और साथ में मैंने ये प्याज चॉप करके रखा हुआ है, तो ये भी ऐड कर देती हूँ इसमें, ये प्याज ऐड कर देते हैं इसमें। ये ले रही हूँ मैं दो टमाटर, बड़े टमाटर, और दो ही मैंने प्याज लिए थे जो चॉप करके डाला है, और ये टमाटर जो है मैं वो ग्राइंड करके डालूंगी, और साथ में मैं ये टुकड़ा अदरक का भी डालूंगी इसमें ग्राइंड करने के लिए। टमाटर हो गया है ग्राइंड, ये देखो, अब इसको ऐड कर देते हैं अपने मसाले में। अब ऐड करते हैं मसाले, नमक एज पर टेस्ट, धनिया पाउडर दो चम्मच, और हल्दी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, ठीक है। ये कलर्ड मिर्च एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च एज पर आप कितना खाते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना तो मैं थोड़ा कम ही डाल दूँगी। और ये गरम मसाला एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला कम से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक तो साबुत साबुत गरम मसाला, और बाद में मैं भी छोले मसाला भी डालने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालूंगी, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका पानी सॉरी तेल रिलीज नहीं करता है। तो गाइस इसमें देखो तेल इसने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है मसाले ने। अब इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, और तो इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग कसूरी मेथी, ये नया पैकेट है, तो हाथ से ऐसे क्रश करेंगे और क्रश करके तब डालेंगे। और यहाँ पर मेरे छोले भी रेडी है, तो इसको हल्का हल्का ना ऐसे कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा मैश कर देती हूँ।
और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरा मसाला, इसने बिल्कुल ऑयल मिक्स कर दिया है। अब इस मसाले को ऐड कर दूंगी मैं इसमें कुकर में, मैंने सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दिए और लास्ट में मैं इसमें कर दूंगी एक चम्मच छोले मसाला, ज्यादा नहीं सिर्फ एक चम्मच। तो गाइस यहाँ पर मेरे छोले हैं रेडी और मैं इसमें मसाला डाल के इसमें दो सीटी और लगवाऊंगी, दो से फुल आंच में दो सीटी लग जाएगा बस, फिर मेरा छोले रेडी और उसके बाद फिर फटाफट बनाएंगे भटूरे और गरम गरम सर्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैदा हो गया है रेडी और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ भटूरे। तो गाइस यहाँ पर मेहमान भी आ गए हैं हमारे भटूरे खाने के लिए। कौन है ये मेहमान? आशी, ये अपने घर में खाना खा के आई है फिर यहाँ के दोबारा भटूरे खा रही है ना आशी? एक दिन में कितनी बार खाना खाती है? दो खा लिया ना तुमने, कितना खाया? जल्दी जल्दी फिनिश करो अपना खाना, हाँ जल्दी जल्दी फिनिश करो। आज तो आशिता की फरमाइश थी ये भटूरे बटेरे का, है ना? कैसा बना आशिता? कितने भटूरे खा लिए? फोर्थ चल रहा है ना? खाओ 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 ना, मम्मी आपका भी लूंगी। तो यस गाइस अभी मैंने भी अपना खाना लगा लिया है और अब फटाफट मैं भी खाती हूँ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शर्माज ब्लॉग, माय नेम इज संगीता। तो गाइस सेम ब्लॉग अनदर डे। तो अभी का सीन ये है कि गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सरसा देवी, जो देहरादून में रहते हैं, उनको पता होगा सरसा देवी कहाँ पर है। तो अभी मामा, जो मेरे मामा हैं, उन्होंने यहाँ पर भी पिकनिक का अरेंज किया है, तो उनकी तरफ से पिकनिक है, तो वही उसी को अटेंड करने के लिए हम लोग निकले हैं और इधर पहुँचने भी वाले हैं। और जो बच्चे हैं वो पहले ही नाना नानी के साथ निकल गए थे कार में, आशी और मैं स्कूटी में आए, क्योंकि हम लोग को ना घर जल्दी जाना है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो हम लोग को जो जल्दी नहीं देना चाहते इसलिए हम लोग स्कूटी से आए। तो फिलहाल के लिए अगर पहुँचने वाले तो कमीशन देखनी पड़ेगी कि वो लोग कहाँ पर है। सरसा देवी का रोड और देखते हैं अभी वो लोग कहाँ पर है, लोकेशन पूछनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक के लिए। और ये सब लोगों ने हेलमेट पहनेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल हेलमेट अलाउड नहीं है, आप दोनों को ही हेलमेट पहनना पड़ता है, आगे पीछे दोनों वालों को, तो हम दोनों ने हेलमेट पहना है। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं लोकेशन में और ये देखो ये आंटी लोग सब लोग मौसी लोग बैठे हैं यहाँ पर। छिछी तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो गाइज बच्चे पहले ही पहुंच गए थे, बागी आए नो, बागी में देना क्या है? ये टैटपोल है, ये तो टैटपोल नहीं है, फिशी सी है। हाँ यार फिशी, क्या करोगे इसको पकड़ के? यार डाल देंगे ना वापस, वापस डाल देना, क्या करोगे? काम ना धाम का कुछ लेंगे, क्या करोगे इसका? मछली लेंगे। मछली का क्या करोगे? झींगा भी है। डुगु 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 सॉक्स गीला हो जाएगा। सोना आप सॉक्स और शूज खोल लेती ना बेटा, गीले हो जाएंगे। बेटा वो पूरा खराब हो जाएगा, हो जाएगा ना, मुझे तो लग रहा हो भी गया, कर दिया तुमने काम। उधर ही खोलो ना नानी के पास। ये क्या है? ये नानी का डुग्गी, डुग्गी ये ना गए, देखो मछली अब गया, इसको फिश भी है। गाइस देखो यहाँ पे फिश भी है, दिख रही होंगी छोटी 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 फिश। ये देखो यहाँ डुग्गू, आओ शूज खोल दूँ आपका। यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, वहीं मैं वहीं आ रही, मैं वहीं आ रही, गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा। आओ आओ मम्मी पास आओ। आपने पराठा फिनिश कर दिया? हाँ अभी आएंगे, कपड़े खोल के आएंगे, चप्पल भी लानी चाहिए थी मुझे तुम लोगों की। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, मामा हाय बंदो, मैजू सानिया, क्या खा रहे हो तुम लोग? पकौड़ी। तो गाइस अभी हो गया है लंच टाइम और हम लोग खा रहे हैं खाना। तो मैंने लिया है यहाँ पर मटन चावल और ये चटनी और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। पापा चटनी खा रही गाय ले। तो देखो खाने में था ये मटर पनीर, फिश, चिकन और मटन, ये दाल, ये चटनी, पापड़ और राइस। और यहाँ पे स्वीट डिश भी बना था, माई जी हटाओ थोड़ा सा प्लीज, गाजर का हलवा, जिसके बिना पार्टी अधूरी है। और ये हमारा शेफ भैया, दो
है ना, हाय कर दो भैया। तो ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खाना और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं। Hi guys. क्या खा रहे हो? पापड़। चावल। अच्छा है कॉम्बिनेशन। खाओ 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 खाओ। तो गाइज मैं निकल रही हूँ अब यहाँ से पिकनिक से, बाकी सब लोग अभी थोड़े देर बाद आएंगे। ये देखो गाइज, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब लोग निकल रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, इसलिए मैं निकल रही हूँ टाइम से। और बच्चे आएंगे मामा अपनी नानी के साथ ही जैसे वो आए थे, और हम लोग निकल रहे हैं स्कूटी से। तो यस अभी निकलते हैं फिर यहाँ से। मेरा हेलमेट भी निकाल दो ना। निकाल दिया, तुम ये वाला पहन लो यार, ये लूज है। तुम्हें आ जाता ना फिट। अरे मुझे चलो ठीक है, दे दो फिर, ये दे दो। गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, और आते ही मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी कुकिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं। और गेस्ट क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है, आशीष की सिस्टर आ रही है छोटी वाली, तो उनके लिए बस मेरा खाना वाना मतलब स्टार्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ मैं प्याज और टमाटर सॉटे कर रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर, गोभी आलू और रोटी पूरी, जो भी वो खाना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैंने कहा थोड़ा कुकिंग वगैरह करके रख देती हूँ, तो फिर इजी हो जाएगा। तो अभी बच्चे रस्ते में हैं, मम्मी जस्ट निकली है वहाँ से, और अभी उनको आते आते एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज संडे है तो रश बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को टाइम लग ही जाएगा आने में। तो मैंने कहा रखता है जब तक बच्चे आते हैं तब तक बताओ, खाना वाना बना के रख देती हूँ। तो यस अभी बना रही हूँ मैं मटर और पनीर, मटर पनीर की सब्जी, और ये आलू गोभी और आटा वाटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि रायता वायता तो मैं बना ली थी, क्योंकि ठंडे का मौसम है तो चटनी बना दूँगी। अगर टाइम लगा तो मुझे चटनी बना दूँगी मैं, क्योंकि मैं रायता तो अभी बहुत मुझे लगता नहीं कोई खाएगा, क्योंकि ठंडा बहुत है ना। तो यस अभी फटाफट बनाते हैं खाना, और उसके बाद मिलती। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शर्माज ब्लॉग, माई नेम इज अंकिता। तो गाइज अभी हो रहा है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, इवन आफ्टरनून स्टार्ट हो गया है। और यस कल गेस्ट आ गए थे सारे, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के काफ़ी बातें करी, खाना वाना खाया, तो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई। तो यस लेकिन अभी का सीन ये है कि गाइज हम लोग जा रहे हैं घूमने अपने गेस्ट के साथ, और जो मतलब सिस्टर आ रखी है उनके साथ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। तो अभी हम लोग का क्या सीन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, फाइनल डिसाइड हो गया है? कंपनी गार्डन। ओके, तो ये अभी प्लान बन रहा है कंपनी गार्डन मसूरी जाने का प्लान, और बाकी अगर रास्ते में कोई चेंज होता है या जो भी होगा तो आपको दिखाएंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड।